तो बच्चों करेंगे हम 9th क्वेश्चन, बिल्कुल घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखो देखो ये ए प्लस टू एक्स इक्वल टू टू बी प्लस सी, इस ए को ना मैं इधर फेंक देता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो 2x इक्वल्स टू 2b प्लस c माइनस a। इस पूरे को सॉल्व करो फिर टू नीचे फेंक देना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। चलो करते हैं, टू बी कितना है बच्चों मेरे पे, बी है मेरे पे -3 2 4 0, प्लस सी कितना है बच्चों 4 0 0 2, माइनस ए कितना है बच्चों 2 -6 2 0। सिंपल है बच्चों, काफ़ी इजी है, करते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे 2x जरूर लिखना, 2x, ठीक है। अच्छा ये होता है बच्चों 3 2 6 -6, 4 4 2 8 0, ठीक है, प्लस 4 0 0 2 -2 -6 2 0, राइट। इस सब को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2x, इस सब को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो -6 फिर +4, ठीक है, फिर -2, राइट, ठीक है जी। अब इसको देखता हूँ, 4 प्लस 0, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +6, राइट। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, 8 प्लस 0 माइनस 2, 8 प्लस 0 माइनस 2, फिर 0 प्लस 2 माइनस 0, ठीक है जी। ये हो गया बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने सॉल्व कर लिया था, तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों देखो -6 -2 -8 -8 प्लस 4, हो जाएगा -4, ये हो जाएगा बच्चों 10 6 प्लस 4 10, ये हो जाएगा 8 माइनस 2, हो जाएगा बच्चों 6, और ये हो जाएगा आपका 2। अब ये देखो मल्टीप्लाई 2 पूरा इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो -4/2, 10/2, 6/2, 2/2। तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 5 3 1। तो बच्चों ये मेरे पे वैल्यू आ चुकी है एक्स की, राइट। तो 9th क्वेश्चन भी हमारा ओवर हो चुका है, 10th करते हैं।